बीजेपी सरकार को कटक के लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। कटक चारों तरफ से नदियों से घिरा है, लेकिन यहाँ पीने के पानी की समस्या है। मोदी नल से जल देना चाहता है, लेकिन ये रोड़े अटकाते हैं। उड़ीसा के लोग बीजेडी सरकार को कटक के लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं। कटक चोरों की तरफ से नदियों से घिरा है, लेकिन यहाँ पीने के पानी की समस्या है। मोदी नल से जल देना चाहता है, लेकिन ये रोड़े अटकाते हैं। उड़ीसा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से तंग आ चुकी है। यहाँ एक माफिया हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उड़ीसा के कटक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एठी उपस्थित समस्त मान्यगण व्यक्तिन को मोर नमस्कार। देवी माँ चामुंडा चंडी मंदिर डमडमणी पीठ माँ भट्टारिका प्रभु न्यू माधव की इस पवित्र धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, हमारे नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो तो उमंग से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आपका उत्साह, आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद उड़ीसा नया इतिहास रचने जा रहा है। उड़ीसा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। भाइयों और बहनों, कटक देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहां इतिहास भी है, विरासत भी है। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उत्कल गौरव, मधुसूदन